हेलो वेलकम एवरीवन, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। ये एक स्पेशल लॉकडाउन सीरीज है जहां पर मैं रोज आपके लिए एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उस वर्ड को कैसे एक्चुअल रियल कॉन्वर्सेशन में यूज करना है ये भी सिखाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा वर्ड है हैंकर। हैंकर दोस्तों, इसकी प्रोनंसिएशन है ना, ऑलरेडी इसमें एंड में आर है पर इसकी प्रोनंसिएशन हैंकर नहीं है, इट इज हैंकर। हैंकर आर साइलेंट हो जाता है, हैंकर हैंकर, जैसे हैंकर चीफ। हैंकर हैंकर का मतलब क्या है वो समझते हैं। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और अ विश टू डू समथिंग। कभी कभी होता है ना कि हमारे दिल के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है या विश होती है कि मुझे ये करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, मुझे IAS क्लियर करना है, या फिर मुझे इंग्लिश जल्द से जल्द सीखना है। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कुछ करने की, तब आप यूज कर सकते हो वर्ड हैंकर। हैंकर राइट, हैंकर एक वर्ब है और हैंकर्ड इसका पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, हैंकर्ड। आप इसे ING फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जो इसका जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब कंटिन्यूस टेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने हैंकर सीखा, हैंकर्ड सीखा और हैंकरिंग सीखा, और यही सही तरीका होना चाहिए वोकैबुलरी सीखने का। सिर्फ एक वर्ड मत सीखिए, उससे जुड़े जितने भी उसके फॉर्म्स है, कंटिन्यूस फॉर्म, उसका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस, ये सारे फॉर्म्स आप जब सीखेंगे तब आप उसे बेटर वे में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे। तो चलिए अब क्विकली हम देखते हैं कि इसे रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, व्हाइल ऑन अ डाइट आई ऑलवेज हैंकर फॉर चॉकलेट्स। होता है कभी कभी कि डाइट पे हम होते हैं, चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर अंदर से आती है, स्ट्रॉन्ग विश अंदर से आती है कि नहीं यार एक तो खा ही लेता हूं। तो व्हाइल ऑन अ डाइट आई ऑलवेज हैंकर फॉर चॉकलेट्स, ये कहने की जगह कि आई ऑलवेज विश टू हैव अ चॉकलेट, आप कह सकते हैं आई ऑलवेज हैंकर फॉर चॉकलेट, मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैंकर टू बाय दिस लग्जरी कार वन डे। बहुत लोगों को लगता है कि यार वो घर जरूर खरीदूंगा या वो गाड़ी में एक ना एक दिन जरूर खरीदूंगा, वो एक विश है, वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर हैंकरिंग टू बाय द लग्जरी कार या हैंकरिंग टू बाय द हाउस, आप विश कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बता रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी यंगस्टर्स आर हैंकरिंग टू प्री बुक iPhone 12। होता है ना कि iPhone 12 जैसे ही पता चला कि नया iPhone लॉन्च होने वाला है, बहुत सारे लोग उसको प्री बुक कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैनी यंगस्टर्स आर हैंकरिंग, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस टेंस में यूज किया है, टू प्री बुक iPhone 12 राइट, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मेरे पास पहले आना जाना चाहिए, हैंकरिंग। एक और एग्जाम्पल, हैविंग लिव्ड इन द सिटी फॉर 3 years, जतिन हैंकर्ड टू विजिट हिज होम टाउन। इसका क्या मतलब है, जॉब के लिए वो बड़े शहर आया है, पॉसिबली दिल्ली है, मुंबई आया है, और 3 साल हो चुके हैं घर नहीं गया है, तो ही इज हैंकरिंग, लाइक जतिन हैंकर्ड, मैं पास्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसका ED फॉर्म यूज किया है, ही हैंकर्ड टू विजिट हिज होम टाउन। उसके मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि यार मैं बस हो गया, 3 साल हो गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, सिमोन अंडरवेंट अ हेयर ट्रीटमेंट एज शी ऑलवेज हैंकर्ड फॉर स्ट्रेट हेयर। होता है किसी किसी को कि यार स्ट्रेट बाल चाहिए मुझे, दिखने में अच्छे दिखते हैं, मेंटेन करने के लिए आसान है, तो उसने उसे हमेशा लगता था कि मेरे बाल स्ट्रेट होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी दिखूंगी, फोटोज में अच्छी दिखूंगी। तो उसने क्या कि शी अंडरवेंट अ हेयर ट्रीटमेंट, शी ऑलवेज हैंग बिकॉज शी ऑलवेज हैंकर्ड टू हैव स्ट्रेट हेयर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो हैंकर, हैंकर्ड या हैंकरिंग। तो दोस्तों अब बारी आपकी है, आपको हैंकर, हैंकर्ड या हैंकरिंग यूज करके मुझे ये बताना है कि क्या आपने कभी हैंकर किया है किसी चीज़ के लिए, मतलब आपके अंदर कोई एक स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश रही है किसी चीज़ को लेकर, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लेसन में बस इतना ही, मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए वर्ड के साथ, तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।